आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक है। अब आपका मन भी कहीं नहीं जाता है, ये यहीं है पर किसी चीज के बारे में सोच रहा है। क्या ये कहीं जाता है? आपका मन कहीं नहीं जाता, ये यहीं है और किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा है, पर फिर भी ये यहीं है ना? ना तो आपका शरीर कहीं जाता है, न ही आपका मन कहीं जाता है, और न ही आप कहीं जाते हैं। वे हमेशा मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो उन सभी के लिए काम करे। आप इन्हें अलग अलग नहीं संभाल सकते, इसे अलग से, उसे अलग से, वे हमेशा एक साथ होते हैं, है ना? आपका मन कहीं नहीं जाता और इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है जो आप नहीं हैं। जिस पल आप खुद की पहचान किसी ऐसी चीज के रूप में बना लेते हैं जो आप नहीं हैं, तब मन बिना रुके चलने लगता है। आपने अपनी पहचान कई चीजों से जोड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लाखों साल तक कोशिश कर लें तो भी ऐसा नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता। अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं तब आप इसी पल देखेंगे कि आपका मन एक दर्पण की तरह होगा। ये कुछ नहीं कहेगा, बस हर चीज को परावर्तित करेगा। मन को ऐसे ही होना चाहिए। आपका मन एक ऐसा साधन है जो तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो, है ना? ऐसा ही है ना? आपका मन यहां हर तरह की काल्पनिक चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है, वो जीवन में एक भटकाव है। आपका मन आपको जीवन में स्पष्टता और गहराई देने के लिए है, लेकिन अभी आपका मन बस उलझन का एक भारी पुलिंदा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कई ऐसी चीजों के रूप में अपनी पहचान बना ली है जो आप नहीं हैं, और अब आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोक कर रखने का कोई तरीका नहीं है। आपने बहुत बुरा खाना खाया और अब आपके पेट में गैस बन गई, आप उसे रोक नहीं सकते। आपने खराब खाना खाया है, नतीजा आ गया है। आपने गलती की कि कई चीजों के साथ अपनी पहचान जोड़ ली, अब यह लगातार चलता जा रहा है, आप इसे रोक नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आप भगवान के बारे में सोचिए, भगवान खुद आपको कई जगहों पर ले जाएंगे। अब आप यहां बैठे हैं और ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप सोच रहे हैं कि अपने बार या रेस्टोरेंट या दोस्त या सिनेमा या किसी और चीज के बारे में। अब लोगों ने आपसे कहा भगवान के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप राम या कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे आप राम के साथ सिनेमा जाएंगे। मन की प्रकृति ही ऐसी है। राम खुद आपको बार में ले जाएंगे, राम खुद आपको रेस्टोरेंट ले जाएंगे। आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि आपने खुद उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी जो आप नहीं। कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का। तो यहां जो किया जा रहा है वो आपके मन को काबू में करने के लिए नहीं, ये उस बारे में जागरूकता लाने के लिए है कि आप क्या नहीं। अभी सबसे पहले आपकी सबसे बुनियादी पहचान आपका शरीर है। आपने पहचान बना रखी है अपने शरीर, अपने कपड़े, अपने हेयर स्टाइल और अपनी दाढ़ी के रूप में भी, है ना? बहुत गहरी पहचान है ना? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका धर्म, अनगिनत आधारों पर पहचाने। इन सभी पहचानों के साथ आप एक शांत मन चाहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होती। यही कारण है कि हमने आपको शून्य नाम की एक आसान विधि दी है जिसमें आप मन से थोड़ी दूरी पैदा करते हैं। एक बार जब दूरी बन जाती है तो तब चीजें होंगी, वो चीजें होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी।